हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं LRU कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और साथ ही साथ इसमें मैं गेट 2004 का क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। गेट 2004 का क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा और साथ ही साथ LRU काम कैसे करता है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंसिडर अ फुली एसोसिएटिव कैश विद 8 कैश ब्लॉक्स 0 to 7, वहां पे इंडेक्सिंग करनी है। तो देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैश ब्लॉक 0 to 7 नंबरिंग करके मैंने बना लिया। और जैसा कि कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी में जो इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस की उसमें बताया कि दो ही मेथड हम यूज करते हैं, या तो एसोसिएटिव में या सेट एसोसिएटिव में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फुली एसोसिएटिव दी हुई है। द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मेमरी ब्लॉक रिक्वेस्ट, सीपीयू जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है मेमरी ब्लॉक्स की, मेन मेमरी ब्लॉक्स की, और वो सीक्वेंस यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो सीक्वेंस को आपको एज इट इज कंसीडर करना है। अब होता क्या है कि मेन मेमोरी के इन ब्लॉक्स को हम कहाँ पे लेके आएंगे, कैश के अंदर लेके आएंगे, और जब कैश भर जाएगी तो हमें किसी ना किसी ब्लॉक से रिप्लेस करना पड़ेगा। और रिप्लेस करने के टाइम हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, LRU, क्योंकि LRU पॉलिसी हमने देना है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ एक और चीज पूछी है, इफ LRU रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज यूज्ड व्हिच कैश ब्लॉक विल कंटेन मेमोरी ब्लॉक 7, मतलब जो 7 ब्लॉक है वो कौन से कैश ब्लॉक में है, कौन सी कैश की लाइन के अंदर आएगा। कई बार यहाँ पे कैश ब्लॉक भी दिया हो सकता है, कैश लाइन भी दी हो सकती है, नॉमनक्लेचर है, चाहे मतलब फंडा सेम ही है, क्योंकि ब्लॉक का साइज और लाइन का साइज हम सेम ही मानते हैं। तो यहाँ पे कैश लाइन दिया हो या कैश ब्लॉक, एक ही बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो ब्लॉक नंबर है वो है 4, तो 4 हमने यहाँ पे कैश के अंदर लेके आना है। ये हमारे पास कैश मेमोरी दी है, 0 to 7 हमारे पास नंबर है। अब 4 को मैं कहां पे लेके आऊंगा, फुली एसोसिएटिव में हम क्या बोलते हैं कि ब्लॉक जो है वो कहीं पे भी आ सकता है, किसी भी लोकेशन में आ सकता है। तो स्टार्ट कर दो 0 से, कि 0 पे ही डाल दो, सबसे बेस्ट है। 4 नेक्स्ट आया 3, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से मिस हुआ। मिस मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी है ही नहीं ब्लॉक ना, 4 यहाँ पे है ही नहीं, खाली है बिल्कुल। तो पहली बार जब उसको लेके आएंगे मतलब ये क्या, एक तरह से आपका मिस होगा। देन 3 जब हम लेके आएंगे, इसके ऊपर अगर मैं लिख भी देता हूं, ऑल दो क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आया 3, तो 3 हम यहाँ पे लेके आएंगे, और 3 मैंने कहाँ पे डाल दिया, एक नंबर, मतलब यहाँ पे एक जो रेफरेंस है हमारा, एक नंबर जो ब्लॉक है उसमें हमने क्या डाल दिया, 3, ये भी एक तरह से मिस हुआ। देन 25 हम लेके आए, तो 25 मैंने कहाँ पे डाल दिया, 2 नंबर पे डाल दिया। देन 8 हम लेके आए, 3 में हमने 8 डाल दिया। 19 हम लेके आ रहे हैं, 4 में हमने क्या डाल दिया, 19। उसके बाद आया 6, तो 6 हमने लेट से इस वाली लोकेशन में डाल दिया। 25, ये देखो 25 जब दोबारा आया, तो देखो 25 ऑलरेडी है, 25 ऑलरेडी कैश के अंदर है, तो ये वाला बेसिकली क्या होगा, एक हिट होगा। हिट मतलब कि जो ब्लॉक हम ढूंढ रहे हैं वो ऑलरेडी कैश में है, तो मेरे को मेन मेमोरी में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरा हिट हुआ, मैंने कैश से ही उसको दे दिया, प्रोसेसर को, सीपीयू को कैश से ही मैंने उसको दे दिया। 8 देखो 8 ऑलरेडी है, तो यानी ये भी मेरा क्या है, हिट है, क्योंकि 8 मेरा ऑलरेडी है, रिप्लेस करने की आपको जरूरत ही नहीं है। 16 नेक्स्ट आया, 16 तो देखो 16 नहीं है, तो मैंने खाली जगह पे 16 डाल दिया, ये भी एक तरह से मिस हुआ क्योंकि 16 नहीं था। 35 हम लेके आ रहे हैं, तो 35 भी नहीं है, तो 35 मैंने यहाँ पे डाल दिया 7th लोकेशन में। अब देखो 45 आया, जैसे ही 45 आया तो सबसे पहले देखो 45 है नहीं है, तो यानी मेरे को अब 45 इसके अंदर डालना है। अब 45 इसमें डालने के लिए जगह तो है नहीं, तो यहां पे LRU का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब तक खाली है तब तक कोई LRU FIFO कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके भर गए अब रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, LRU। तो जैसे ही 45 यहां पे आया, तो 45 इसमें से किस पे जाएगा, LRU में क्या करना है आपको, ये देखो आप यहां पे खड़े हो, 45 में डालना है, आपने क्या चेक करना है, पास्ट में चेक करना है। पास्ट मतलब पीछे की तरफ चेक करो, इन सारे ब्लॉक्स में से ये जितने भी नंबर यहां पे दिए हैं इनमें से सबसे दूर कौन है, इसके अकॉर्डिंग इस नंबर में से सबसे दूर कौन है। देखो जैसे 4 है, 4 सबसे दूर है, ये रहा 3 4 से थोड़ा पहले है 25 तो ये रहा। 8 कहां पे है, ये रहा। 19 तो ये रहा। 6 भी ये रहा। 16 ये रहा। 35 तो अभी अभी आया, तो ये तो लीस्ट रिसेंटली है, इसको तो दोबारा से कॉल हम कर सकते हैं, यही लीस्ट रिसेंटली यूज का फंडा है कि जो अभी अभी आया उसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहले आया था, कौन आया था सबसे पहले, 4 आया था इन सब में से, तो 4 को रिप्लेस कर दो किससे,
45 से। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस चेक करना है इन सारे नंबरों में से सबसे दूर कौन है इस सीक्वेंस में। एक और देखते हैं, लेट्स से 22। अब देखो 22 आया, 22 है नहीं है, तो लेट्स से आप यहां पे खड़े हो और 22 जैसे ही आया आपको 22 किसी ना किसी लोकेशन में तो डालना है। अब देखो ध्यान से, इन सारे नंबर में से सबसे दूर कौन है यहां पे, तो देखो 3 ये रहा सबसे दूर, 4 तो भाई नहीं, 4 को तो हमने रिप्लेस कर दिया 45 से, 25 3 से थोड़ा पहले है, 8 19 6 16 ये रहा, 35 ये रहा, 45 तो अभी भी आया, ये जो हमने यहां पे डाला है तो 45 है, तो ऑब्वियसली सबसे दूर कौन है, 3 सबसे पीछे है, तो 3 की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, 22। ध्यान रखना जो बीच में हिट हो जाता है, जो जैसे देखो 8 पहले था उसके बाद 8 दोबारा फिर आ गया, तो यानी 8 दोबारा आ गया इसका जो है वो चांस बढ़ गया, तो यानी इसको रिप्लेस करने के टाइम ध्यान पे रखना, इसको डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करना। यही क्वेश्चंस आपको काफी इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे, तो ध्यान से आपको करना है। देखो 8 फिर आ गया, 8 जैसे ही आया तो यहां पे मेरे पास क्या है, 8 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हिट हो गया क्योंकि 8 ऑलरेडी इसमें पड़ा है। 3 आया तो ये देखो 3 नहीं है यहाँ पे, तो 3 को हमने रिप्लेस करना पड़ेगा, तो करना कैसे है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं इन सारे वर्ड्स में से सबसे दूर कौन है इस सीक्वेंस में, पास्ट में कौन है, तो देखो 45 तो अभी भी आया, 22 ये रहा अभी है, 25 देखो कहाँ है ये रहा, 8 देखो बिल्कुल पास आया हुआ अभी आया, 19 देखो कहाँ पे है ये रहा, 6 देखो कहाँ पे है, 6 आपका ये रहा, 16 भी पास में है, 35 कहां पे, बिल्कुल पास में है, तो यानी सबसे दूर यहां पे कौन सा है, सबसे दूर आपका बचता है 19 ही आएगा क्योंकि 25 और 8 तो बिल्कुल पास हो चुके हैं। तो ये देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 की जगह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इन सारे नंबर्स में से सबसे दूर इस सीक्वेंस में 19 ही है। 6 भी आ गया उसके बाद, 16 भी उसके बाद है, 35 भी उसके बाद है, 8 भी उसके बाद है, 25 भी उसके बाद है, 25 यहाँ पे ये रहा उसके बाद आ चुका है, 22 भी बाद में, 40, तो यानी 19 से हम रिप्लेस कर देंगे किसको, 3 को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही 3 यहां पे आ गया तो हमने यहां पे डाल दिया। अब 16 आया तो ये तो मेरा ऑलरेडी था ही, तो हिट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा 16 पड़ा है। 25 भी, हाँ आई थिंक ऑलरेडी पड़ा ही है ना, 25 भी यहां पे पड़ा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, हिट हो गया। नेक्स्ट आया 7, तो 7 जैसे ही आएगा तो दोबारा फिर इन सारे नंबर्स में से, एट प्रेजेंट जो भी नंबर्स हैं इनमें से सबसे दूर देखो कौन सा है, तो देखो 45 आपका ये रहा, 22 ये रहा, 25 तो अभी आया, 8 वो भी पास में ही है, 3 भी पास में ही है, 6 देखो कहां पे है, 6 देखो सबसे दूर जो है वो 6 है, 16 भी 6 के बाद है, 35 भी 6 के बाद है, तो देखो इन सारे नंबर्स में से जितने भी नंबर एट प्रेजेंट है इस सीक्वेंस में सबसे दूर कौन है, 6 है, तो 6 की जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है, 7 रिप्लेस कर देना है। तो इस तरीके से बस आपको करते जाना है। तो ये LRU का फंडा है कि लास्ट में जो पास्ट में सबसे दूर है उसको आपने रिप्लेस करना, और जितने भी बीच में हिट आते हैं, हिट का ध्यान रखना कि उसका चांस अब नहीं है क्योंकि वो हिट हो गया, तो यानी वो अब पास आ गया और पास आ गया, तो जब दूर का आपको देखना है कि कौन सबसे पीछे है, तो उस हिसाब से आप करते जाओगे तो ये क्वेश्चन इजीली आपको हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेमोरी ब्लॉक 7 आपका कहां पे है, मेमोरी ब्लॉक 7 लाइन नंबर 5 में है, या कह सकते हो कि ब्लॉक नंबर 5 में, तो आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। थैंक यू।